9999 की मासिक किस्त पर ले जाएं टीवी, फ्रिज और एसी, वो भी बिना किसी ब्याज के। संपर्क करें जिम्मी सेल्स, पुरानी किला मोड़, सिवान। बरहरिया प्रखंड के बहादुरपुर पंचायत से निवर्तमान मुखिया शांति देवी ने दूसरी बार जीत हासिल की है। उनके पति जी नारायण यादव यहाँ पहुंचे हुए हैं और मतगणना केंद्र पर उनको अभी सर्टिफिकेट मिला है और उनकी जीत हासिल करने के बाद काफी खुश नजर आ रहे हैं। वो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो निवर्तमान मुखिया शांति देवी है जिन्होंने दूसरी बार जीत हासिल की है और उनसे बात करते हैं। सबसे पहले मुखिया जी, बिहार न्यूज टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई। बहादुरपुर जनता को प्रणाम करती है, विकास करती है। फिर भी जीतेगा तो फिर विकास करेगा, फिर भी करेगा। जिस जनता ने आपको जीत दिला है उस जनता को क्या कुछ कहेंगे? सबको प्रणाम करेगा जनता के। जनता ने जिस उम्मीद पे आपको दोबारा मुखिया बनाया है, क्या उस उम्मीद पे आप खड़े उतरेंगे? बिल्कुल खड़े उतरेंगे। चलिए सर, तो मुखिया शांति देवी है जो पहली बार मुखिया थी, दूसरी बार दोबारा मुखिया बनी है और इसके बाद हम इनके पति जो नारायण यादव जी है, हम उनसे भी बात कराते हैं। यहाँ पे मुखिया की जीत हुई है। शांति देवी उनके पति जी नारायण यादव है, काफी सामाजिक कार्यकर्ता है और लगातार समाज सेवा में जुड़े रहते हैं। उनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपको बिहार न्यूज टीम की तरफ से जीत की बहुत बहुत बधाई। आपको भी दोबारा जनता ने आपको मुखिया चुना है, किसको आपने इस बार हराया, कितने मतों से हराया? देखिए, हमारी पत्नी शांति देवी पुनः चुनाव जीती है और जो हमारे प्रतिद्वंदी मेरे अनुज के पत्नी जो मेरे भोले भाले, साथ में भी हम लोग क्रिकेट खेले हैं, बहुत अच्छी लड़ाई यास्मिन परवीन जी ने दी है। 1083 मत उनको प्राप्त हुआ है और 1169 मत हमको प्राप्त हुआ है। बहुत काटे की टक्कर में फिर जनता, अगले बार मेरी पत्नी शांति देवी 19 वोटों से जीती थी। जो पूर्व में मेरे चाचा कहे जाने वाले जहदीन साहब की जो सायरा खातून जो आज 3 नंबर है, वो कल 19 वोट से वो हारी थी। कभी हम लोग एक साथ रहते थे, लेकिन राजनीति की ऐसी चीज है कि हम लोग जो है सेवा करने का जज्बा रखते हैं। पूर्व में भी 10 साल कुछ लोग रहे हैं, 5 साल रहे हैं और मेरी पत्नी दोबारा जीती है। तो इस बार जो वोट का अंतर आपका बड़ा है, तो कहीं ना कहीं मानते हैं कि विकास के मुद्दे पे जनता ने आपको चुना है? बिल्कुल, हमने तो कहा भी कि मेरा चेहरा ही विकास है। हम लोग कई वर्षों से विकास करते आए हैं, हम लोग जमात की राजनीति करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास, हम सबके साथ लेकर चलता हूँ। मैं जितना विकास किया हूँ उस पर मेरा वोट जो है 1986 वोट जो बढ़ा है उसको मैं कोटि कोटि बहादुरपुर सम्मानित जनता को जो हम पर विश्वास है उनको हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और जो मुझे अविश्वास जताए हैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि मैं जिस रूप में काम करता आया हूँ कोई घबराने की बात नहीं है, मैं उसी तरह से काम करूंगा। जनता ने आप पे उम्मीद कर, विश्वास कर जीत तो दिला दी, क्या लगता है दोबारा आप जनता की उम्मीदों पे खड़े उतरेंगे, क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी? देखिए, हम तो लगातार कई वर्षों से काम करते आ रहे हैं, विगत 5.5 साल में हमने विकास किए हैं। जो अधूरे कार्य है उसको विश्वास के साथ विदाउट भेदभाव को जात से ऊपर उठकर मैं अपना करवा जो विकास का जिसके रूप में मैं जाना जाता हूँ, जिले और प्रखंड और पंचायत में मुझे बहुत प्यार करने वाले लोग हैं, मैं उन सबों को धड़कन रुकी थी इस जीत से, काफी प्रखंड और जिले में और पंचायत में उजलास है। मैं उन लोगों को कोटि कोटि मैंने चाहने वाले जो विदेश में रहते हैं उनको भी कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि जीत ये हमारी बहादुरपुर पंचायत की सम्मानित जनता की जीत है। मैं तो उनके सेवक हूँ, मेरी पत्नी जो है सिर्फ काम करने वाली है, हम तो आदेश पालक हैं। जब तक जिंदा रहेगा, शरीर में ताकत रहेगा, भगवान अल्लाह मेरे ताकत देंगे तो जनता के बीच रहा हूँ, रहूंगा। इस बार क्या विकास के शेड्यूल आपके रहे? कोई शेड्यूल नहीं है, हमारा तो पहले से शेड्यूल जारी है, इसलिए कि स्टूडेंट लाइफ से 92 से छात्र जीवन में राजनीति में आए। मैं पार्टी का राजनीति भी करता हूँ, राष्ट्रीय जनता दल से मैं बहुत पूर्व से जुड़ा हुआ हूँ। अब समय के अभाव में हम लोग अब गांव की राजनीति करते हैं। मेरा विकास का मॉडल जो है जारी रहता है, पिछड़ी पंचायत है वहां पर विकास की हमने बहुत किया है, बहुत कुछ जो बाकी है इस पारी में पुनः काम करूंगा। चलिए, जी नारायण यादव जी है जो बहादुरपुर पंचायत से जो अभी वर्तमान मुखिया बनी है, दूसरी बार मुखिया बनी है शांति देवी, उनके पति है। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जनता ने जिस उम्मीद और विश्वास के साथ इन्हें जिताया है वे जनता की उम्मीदों पर खड़ा उतरेंगे और एक सेवक बनकर जनता की सेवा करेंगे। लगातार आपको प्रखंड से जुड़ी अपडेट देते रहेंगे, बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना हुआ आसान, बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकृत। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल, साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज कराने के लिए अब आपको बड़े शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने शहर सिवान में कैंसर का सफल इलाज होता है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज के यहाँ हर्बल से निर्मित इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। सभी प्रकार के कैंसर की बीमारियों में सफलतापूर्वक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज, सिसवन ढाला, लक्ष्मीपुर, सिवान। संपर्क नंबर है 9472250677।